सरकारी नौकरियों की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संचित और आपका GVTjob.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम आपके लिए हर रोज नई जॉब रिलेटेड वीडियोस लेकर आते हैं, जिसमें हम आपको आई हुई सभी नौकरियों की जानकारी देते हैं। तो आज हम आपको बताते हैं कि पिछले क्वेश्चन जो कॉन्टेस्ट था, उसमें जो क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर क्या है। तो पिछले कॉन्टेस्ट में हमने आपको क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो उस क्वेश्चन का सही जवाब है कैनबेरा। तो जो भी कंटेस्टेंट ने उसका आंसर राइट दिया है, उन सबको हम कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। और इस वीडियो के अंत में हम और एक आपको क्वेश्चन पूछेंगे और उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जल्द से जल्द देना है। तो जो भी उम्मीदवार उस आंसर का आंसर राइट देगा, उसका नाम हम हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज पर बताएंगे। और उसके लिए जो आपको लिंक चाहिए होगी फेसबुक पेज की, हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो दे देंगे, जिससे आपको वो पेज ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। और फेसबुक पेज को आप लाइक करिएगा, जिसके कारण आपको जो अपडेट्स होंगे कॉन्टेस्ट के, वो आपको हर रोज मिलते रहेंगे। तो जाते हैं आज के जॉब की ओर। तो आज की जॉब है बैंक ऑफ बड़ौदा में निकली हुई भर्ती के बारे में। बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में ही वेल्थ मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स के पद के लिए अधिसूचना प्रकाशित की है। सभी नौकरी चाहने वालों को इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आमंत्रित किया गया है। पात्रता विवरण और आवेदन प्रक्रिया इस प्रकार है। इस पोस्ट को यदि आपको अप्लाई करना है तो आपको मिनिमम MBA करना अनिवार्य है और ग्रेजुएट पास उम्मीदवार भी इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो जो एज लिमिट है वो पोस्ट के अनुसार है। ग्रुप हेड के लिए 35 to 50 ईयर्स की एज लिमिट रखी गई है। ऑपरेशंस हेड के लिए 35 to 45 ईयर्स है। तो जैसे देखा जाए तो एज के अनुसार या पोस्ट के अनुसार एज लिमिट है, वो आप चेक कर लीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर इंटरव्यू के द्वारा होगी, पर उसके पहले उम्मीदवार को रिटर्न एप्टीट्यूड टेस्ट देनी जरूरी है। और GD होगी, पर्सनल इंटरव्यू होगी, ऐसे बहुत से राउंड होंगे और जिसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। एप्लीकेशन फी यहाँ रखी गई है 600 रुपीज, और SST कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फी में छूट है और वो फी है 100 रुपीज, यानी आपको थोड़ा कंसेशन मिल रहा है वहां पर 100 रुपीज का, 500 रुपीज का। पे स्केल यहाँ रखी गई है एज पर रूल एंड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के अनुसार आपको आपके एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। और यदि आपको इस पोस्ट को अप्लाई करना है तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है bankofbaroda.co.in, उस पर जाकर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर हमने आपको दो लिंक्स दी गई है, डाउनलोड नाउ लिंक है और क्लिक हियर लिंक है। उस पर क्लिक कर भी आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन इन PDF देख कर जानकारी प्राप्त कर सकते हो और आप अप्लाई कर सकते हो। और उसके पहले हम देख लेंगे जॉब लोकेशन क्या है। तो जैसे हम देख सकते हो कि जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया है, यानी यदि आप इस पोस्ट को अप्लाई करते हो और सिलेक्ट हो जाते हो तो आपकी पोस्टिंग भारत के किसी भी कोने में हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया लिखा गया है। लास्ट डेट इस पोस्ट को अप्लाई करने की है 12 दिसंबर 2017। तो आपके पास अभी भी बहुत अच्छा खासा टाइम है, तो सब आप पे डिपेंड करता है। तो आप कितने जल्दी इस पोस्ट को अप्लाई करेंगे और कितने जल्दी आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाता है। तो दोस्तों, नंबर ऑफ वैकेंसी 337 है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। बहुत दिनों बाद बैंक ऑफ बड़ौदा में कोई वैकेंसी निकली है। बहुत से पोस्ट पर वैकेंसी है, पर जो मैक्सिमम पोस्ट है या बड़ी पोस्ट है वेल्थ मैनेजमेंट की है। और ग्रुप हेड, ऑपरेशन हेड, टेरिटरी हेड, सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर, एक्वेंटिशन मैनेजर, इन्फ्लुएंट और क्लाइंट सर्विस एग्जीक्यूटिव। तो ये जो वैकेंसी है बहुत अच्छी है, बैंक में भर्ती हो रही है। बहुत से उम्मीदवार हमारे जो इंडिया में जो उम्मीदवार है, उन्हें बैंक में जॉब पाने की बहुत चाह होती है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। यदि आपको इस पोस्ट को अप्लाई करना है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे, जिस पर आप क्लिक कर हमारे आर्टिकल पर आ सकते हो और ये जो पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो। और यदि आपको और विस्तार में जानकारी चाहिए इसके अलावा, तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन की जो PDF दी गई है उस पर भी जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF है और यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो बहुत जानकारी जो है बड़े विस्तार में लिखी गई है, और वो जो गाइडलाइंस है जनरल नॉलेज पेमेंट की जानकारी आपको बताई गई है, जिसे आपको अप्लाई करने में दिक्कत नहीं होगी और आप फट से अप्लाई कर जॉब की जानकारी प्राप्त कर अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, बहुत अच्छी वैकेंसी है, आपको अप्लाई करना है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी जाएगी, जिस पर आप क्लिक कर अप्लाई कर सकते हो। आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करिएगा, जिसके कारण हमको जो कॉन्टेस्ट के जो विनर्स होंगे उसकी भी जानकारी आपको वहां पर मिल जाएगी और ना जाने आपका भी नाम वहां पर हो सकता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो जाते हैं आज के क्वेश्चन के ऊपर। तो आज का क्वेश्चन इस प्रकार है, गौर से सुनिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन इज नॉट द मेंबर ऑफ OPEC। तो आज का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन इज नॉट द मेंबर ऑफ OPEC। उसके ऑप्शंस है अल्जीरिया, फ्रांस, ईरान, लीबिया और कतार। वापस एक बार आपको ऑप्शन बताते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन इज नॉट द मेंबर ऑफ ओपीईसी, उसके ऑप्शंस है अल्जीरिया, फ्रांस, ईरान, लीबिया या कतार। तो जो भी आंसर होगा इसका आपको राइट आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है और विनर का नाम हम फेसबुक पेज पर डिस्क्लोज कर देंगे। और फेसबुक पेज की लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जिसके कारण आपको फेसबुक पेज लाइक करने में दिक्कत नहीं होगी और झट से हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें, जिसके कारण आपको जो जानकारी है कॉन्टेस्ट की आपको विस्तार में मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।